हाय नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एज ए फार्मासिस्ट हम जानते हैं कि बहुत सारे कैरियर ऑप्शनस हैं बहुत सारे uh, जो फील्ड है जहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट हम काम कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं लेकिन ये भी इतना ही सच है कि बहुत सारे नंबर ऑफ फार्मासिस्ट आर कमिंग इनटू द मार्केट डे बाय डे तो इतने सारे फार्मासिस्ट हैं और इसके सामने जितनी अपॉर्चुनिटी जो ग्रो हो रही है वो लिमिटेड है तो हर एक एम्प्लॉयर आपके पास से ये एक्सपेक्ट करेगा कि यू शुड हैव टू बी मोर कॉम्पिटेंट एंड मोर स्किलफुल अगर आप दूसरे फार्मासिस्ट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्किलफुल एंड कॉम्पिटेंट है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर अवेटिंग है होता क्या है कि जैसे हम चार साल की या तो छः साल की जब हम फार्मेसी या तो फार्म डी के कोर्स में एनरोल करते हैं तो वी आर फोकसिंग टू लर्न मोर द टेक्निकल स्किल्स लेकिन रियल लाइफ में दो स्किल्स बहुत जरूरी होती है टेक्निकल स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स अगर जनरली देखा जाए तो लाइफ स्किल्स इज कंसिडर्ड इज ए सक्सेस स्किल्स तो अगर दो कैंडिडेट है और दोनों को इवेल्युएट करते हैं जिसमें लाइफ स्किल्स ज़्यादा है वो जीवन में ज़्यादा सफल हो सकता है लेकिन हमारी जो ड्यूरिंग पढ़ाई हम लाइफ स्किल्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करते हैं इसीलिए सक्सेस मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये छोटा सा प्रॉब्लम अगर हम रिजॉल्व कर दें तो हमारी सक्सेस है वो टेन एक्स हो सकती है विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी 10 स्किल्स जो हर एक फार्मासिस्ट को अपने ड्यूरिंग स्टडी या तो ड्यूरिंग वर्क उसको ये इंकलकेट करनी चाहिए उसको ये स्किल्स को शार्प करनी चाहिए और अपने रिज्यूमे में उसको बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करना चाहिए और ये स्किल्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि आप वो स्किल्स क्यों रिक्वायर्ड है और व्हाई एम्प्लॉयर आर एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ स्किल सेट्स फ्रॉम द फार्मासिस्ट उसको हम समझ सकें सबसे पहली स्किल जो है वो अटेंशन टू डिटेल ये फार्मासिस्ट के लिए बहुत जरूरी है क्यों अगर आप फार्मासिस्ट के रोल को देखोगे तो या तो वो पेशेंट केयर में होगा हॉस्पिटल्स में होगा क्रिटिकल केयर में होगा डिस्पेंसिंग में होगा या तो ये कम्युनिटी फार्मेसी में होगा प्रोडक्शन में होगा रिसर्च में होगा कोई सा भी एरिया हो फार्मासिस्ट का हर एक जगह पे उसको बहुत ही डिटेल में चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है और बहुत डिटेल में और हो सके उतनी कम से कम मिस्टेक्स करके अपने काम को एग्जीक्यूट करना होता है इसीलिए attention to detail is the most important skill every pharmacist has to learn और उसको साफ करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए to get the successful career regardless of the field pharmacy की कोई सी भी field हो ये skills is must ये जरूरी है इतनी जरूरी है communication skills देखिए अगर आप कम्युनिटी फार्मेसी में काम करते हो तो आप पेशेंट को समझा रहे हो आप अगर हॉस्पिटल्स में काम करते हो कम्युनिटी में काम करते हो तो आप डॉक्टर के साथ नर्स के साथ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो आपके जूनियर्स के साथ आपके सबोर्डिनेट के साथ काम कर रहे हो रिसर्च में भी आप बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हो तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज योर कम्युनिकेशन हैज़ ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर कस्टमर्स लाइक पेशेंट्स और आपके कॉलिग्स जो साथ में काम करते हैं उसके लिए भी ये इतना ही जरूरी है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से काम को स्पीडअप कर सकते हो और प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हो तो हर एक फार्मासिस्ट को अपनी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने का काम करना चाहिए ड्यूरिंग द स्टडी दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपिंग द स्किल सेट्स थर्ड नंबर में देखें तो मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल नॉलेज ये दोनों ही नॉलेज इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब तक पेशेंट केयर के नॉलेज को नहीं समझोगे तब तक आप फार्मास्यूटिकल नॉलेज को उसके साथ में कंबाइन नहीं कर पाओगे इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो मेडिकल नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि आप जब भी प्रोडक्शन या तो क्वालिटी एश्योरेंस करते हो तो एंड इन माइंड होना जरूरी है एंड इन माइंड क्या है एंड इन माइंड आप ये पेशेंट के लिए बना रहे हो तो आप इम्प्रूवमेंट के बहुत सारे एवेन्यूज़ मिल सकते हैं उसकी कंप्लाइंस कैसे बढ़ा हूँ उसकी एक्सेप्टेंस कैसे बढ़ा हूँ ओके okay. और मैं कम से कम मिनिमम प्रॉब्लम्स इनकॉर्पोरेट कैसे करूँ तो ये सारे पॉइंट्स को आप बेहतर ढंग से यूटिलाइज़ कर सकते हो इसीलिए इग्नोर मत कीजिए अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो भी पेशेंट केयर को समझना उतना ही ज़रूरी है ताकि आपकी जो प्रोडक्शन का काम है या तो इंडस्ट्रियल रिसर्च का काम है वो बेहतर ढंग से हो पाएगा फार्मासिस्ट की पूरी जीवन बहुत सारी चैलेंजेस से प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा उसको मैं चैलेंजेस से भरी होती है ओके okay, कोई पेशेंट की क्रिटिकल केयर को मैनेज करना हो आपको नया रिसर्च करना हो प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी को बढ़ाना हो तो बहुत सारी चैलेंजेस डे बाय डे आपके सामने आएगी तो हाव यू आर हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पर लेबर्स के इश्यूज़ होंगे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी कस्टमर्स के आपके पास से तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है जो चैलेंजेस है उसको आप इफ़ेक्टिव वे से कैसे सॉल्व करते हो ये हर एक एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करता है कि मेरा जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई होगा उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए तो आपको ये स्किल के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग योर स्टडी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कम्युनिकेशन के साथ में अगर आप जोड़ोगे तो आप बहुत सारे टास्क टीम वर्क में करते हो तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा एंड सबके साथ में ही आप अल्टीमेट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को इंस्पायर कैसे करते हो मोटिवेट कैसे करते हो किसी की प्रॉब्लम को कैसे आप नज़रअंदाज करके उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर कैसे फोकस करते हो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड और ये स्किल्स डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स ने बताया है कि अगर कोई एक सामान्य बंदा अगर चोरी करता है या तो वो गलत काम करता है तो उससे समाज में उतना बड़ा नुकसान नहीं होता है जितना एक इंटेलिजेंट इंसान अगर इलीगल एक्टिविटीज़ करता है तो तो फार्मासिस्ट की अगर कोई फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो स्किल्स के बारे में बात करें तो उसकी इथिकल एंड इंटीग्रिटी के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग आपके ऊपर एक बहुत बड़ा विश्वास करते हैं आपके एम्प्लॉयर विश्वास करते हैं गवर्नमेंट विश्वास करती है और यही विश्वास के साथ आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो इथिकल एंड इंटीग्रिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जैसे कोई एक जो ड्रग डीलर है वो इलीगली ड्रग को डील करता है आप लीगली ड्रग को डील करते हो आपके साथ मॉर्फिनस ऑपियोइड्स, ये सारे सब्सटेंसेस का एक्सेस होगा उसका डिस्ट्रक्शन करने की अपॉर्चुनिटी होगी आप बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट बनोगे तो आप ऐसे रिसर्च प्रोफेशन में इन्वॉल्व होंगे जिससे आप समाज को बचा सकते हो अगर आप यही चीज़ को नेगेटिव यूज़ करोगे तो आप समाज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो जैसे बायो टेरिज़म बायो वॉर इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी कर सकते हो इसीलिए इस तरह के एक नॉबल प्रोफेशन में नॉबल प्रोफेशनल अगर हमें ग्रो करना है तो उसके साथ साथ इथिकल एंड इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सनल सोशल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए तो इसके ऊपर भी हमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि हमारी इंटीग्रिटी एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स है वो बढ़ते रहे ओके टाइम मैनेजमेंट क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो हर एक जगह पे इम्पॉर्टेंट है पर फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ऑलवेज किसी ना किसी ऐसे प्रोजेक्ट में होंगे जो प्रोजेक्ट की अहमियत टाइम के साथ जुड़ी हुई होगी फिर वो इमरजेंसी केयर हो या तो टाइमली प्रोडक्शन का हो या तो उसको टाइमली डिलीवर करने का हो या तो रिसर्च का हो कोई सा भी प्रोजेक्ट आपका टाइम के साथ बाउंड होगा तो आप टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स को कंटिन्यूसली धीरे धीरे से ग्रो करते जाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ एडोप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग वर्क एनवायरनमेंट में किस तरह से ईज़ीली एडोप्ट हो जाते हो और वो नए वर्क कल्चर नए वर्क स्टाइल को आप अडोप्ट कर लेते हो जैसे कोई एक बंदा है जो कम्युनिटी फार्मेसी में काम करता है वहाँ से वो सीधा हॉस्पिटल में गया तो इट्स अ डिफरेंट टोटल डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन्वायरमेंट वहाँ पे वो इजीली एडोप्ट हो जाना चाहिए वहाँ से मान लो वो गवर्नमेंट एजेंसीज में गया तो वहाँ पे भी वो एडोप्ट हो जाना चाहिए वहाँ से वो प्रोडक्शन या तो रिसर्च में गया तो इस तरह के मल्टीपल वर्क स्पेसिस के ऑप्शंस है फार्मासिस्ट के पास लेकिन ये सारे ऑप्शंस options... तभी आपके लिए कारगर होंगे जब आप एडोप्टिबिलिटी की स्किल्स को डेवलप करोगे ऐसा नहीं कि मुझे ये नहीं कर सकता हूँ मैं ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता हूँ ऐसी सिचुएशन में काम नहीं कर सकता हूँ इस तरह के एटीट्यूड नहीं होने चाहिए एडोप्टबिलिटी ग्रो करनी चाहिए और एडोप्टबिलिटी के ऊपर कंटिन्यूसली हमें काम करना चाहिए कस्टमर सर्विस ओरियंटेशन ये भी एक इम्पोर्टेंट स्किल सेट है क्योंकि आप किसी भी कंपनी में काम करते हो या तो खुद का बिजनेस करते हो तो आप जितना कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करोगे उतना आप ग्रो करोगे उतना आप कंपनी को कमा के दोगे तो कंपनी या तो एम्प्लॉयर है वो आपके प्रति भी एक पॉजिटिव आउटलुक रखेगा तो कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग्स ऐसा नहीं है कि सारी समस्याएं चैलेंजेस आपके सामने जो आएगी वो एक ही तरह से आप उसको सॉल्व करोगे आपको क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग्स का यूज़ करना ही पड़ेगा ये चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए तो आप हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए कि किसी एक समस्या को आप कितनी क्रिटिकल एंड क्रिएटिव वे से उसको रिजॉल्व कर सकते हो ओके okay, इस तरह के मॉडल्स के ऊपर या तो सिमुलेशंस के ऊपर या तो इमेजिनरी सिचुएशनल आंसर्स के ऊपर काम करोगे तो धीरे धीरे आपके ब्रेन न्यूरो वो डायरेक्शन में काम करना चालू करेंगे और जब रियल लाइफ में ऐसी कोई चैलेंज आएगी तो यू कैन अप्लाई ऑल द स्किल सेट्स टू द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ये सारी चीज़ों में से मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने आज तक ये वीडियो नहीं देखी है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जॉब इंटरव्यू तो ये जरूर से देखिएगा ये इतना पावरफुल टूल मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि जहाँ आप टेक्निकल बिहेवियरल एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो मान लो कि आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो भी आप उसका यूटिलाइज कैसे कर सकते हो और आपकी ये सारी स्किल्स को कैसे शोकेस कर सकते हो आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स के साथ ओके okay, तो डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो